गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह फ्लावर के साथ देखिए। अभी समर में जो है फ्लावरिंग में फर्स्ट जो है यही है, क्योंकि बहुत अच्छी सी खुशबू भी रहती है इसमें। तो देखिए मेरे मोगरा में जो है फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन साइज में थोड़ी सी बहुत छोटी सी है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों। बहुत ही अच्छी सी इसमें होती है, शायद गर्म ज़्यादा हो गई है इसके लिए। और ये भी जो है फ्लावरिंग आ गया है, बहुत अच्छे से इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं बर्ड्स के साथ। और ये देखिए, ये अभी भी कीड़े दिख रहे हैं इसमें। हाँ, एक्टिव नहीं है शायद, है अभी अभी थोड़े, फिर भी मुझे एक बार स्प्रे करनी है। ओके, मैं करती हूँ तो चला जाता है, फिर आता है। देखिए ज़्यादा स्प्रे करने से पौधों को भी नुकसान होता है, क्योंकि बार बार झेलना पड़ता है उनको भी। अभी वे फिर से कर लेंगे। और फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर सेटिंग चेंज कर ली, वो मैंने निकाल लिया क्योंकि वो बार बार गिर रहा था। हवा चल रही है, बार बार हवा चलने की वजह से गिर रहा है वो। और ये जो ब्रांच मैंने आपको दिखाई थी, उसको मैंने इस तरह से पॉट में गाड़ दिया है। उसको मैं यहाँ पर हैंग करूँगी, कुछ प्लांट्स सोच रही हूँ उसको क्या करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर्स बहुत अच्छी सी मॉर्निंग में फ्लावर्स जो नए नए खिले वो आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने येलो वाले लिए थे कनेर के, और इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। और जीनिया खिल रही है, जीनिया मैंने सेटिंग कुछ कुछ चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। और ये सिंगल वाले, और मॉर्निंग ग्लोरी में देखिए आज कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, कितने सारे हैं। बहुत ही अच्छे से ये लग रहे हैं। और अलमंडा भी देखिए खिले हुए हैं, ओपन हो रहे हैं अभी अभी, सुबह का टाइम है तो अभी अभी ओपन हो रहे हैं वो सब। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स यहाँ। और फ्रेंड्स, मैंने बीच की जगह को बिल्कुल भी खाली कर दिया है। यहाँ पर एक और आएगी प्लांट, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ से मैंने कल मैंने बहुत साफ सफाई भी की है, बहुत साफ सफाई कर प्लांट को एक साइड पर रख दिया। इस तरह से मैंने अपनी प्लांट्स को जो है अरेंजमेंट कर लिए। तो क्रोसेंड्रा येलो वाले, इसमें सीड्स निकले हैं कल, देखिए इस तरह से मैं पानी डालने पर ये सीड्स जो है अपने आप ही ओपन हो रहे थे। ये यहाँ पर जो सीड्स होते हैं ना, ये तो यहाँ पर टच करने पर ये अपने आप ही ओपन हो रहे थे, जगह जगह पर गिर रहे ये सीड्स जो है। तो इसी में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये वाले सीड्स क्रोसेंड्रा की ये रहती है, देखिए ये वाली सीड है, इसमें ये वाली सीड है, तो इसी में डाल रही हूँ मैं। ये देखिए इसमें भी सीड्स कितने सारे बने हैं, ये देखिए सीड्स ड्राई भी हो चुके हैं, पानी लगते ही ये ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर सारे मैंने पर्सलिन के प्लांट्स को यहाँ पर पूरे इकट्ठा यहीं पर मैंने रख दिए हैं। ये दो भी यहाँ से हटाऊंगी, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस चाहिए मुझे तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रही है। और इसमें कल बहुत अच्छी सी एक खिल गए थे, और ये देखिए दो तीन बर्ड्स मेरे ऐसे ही गिर गए। फ्लावर कल मुझे खिले थे इसमें, और ये देखिए, और बहुत नाजुक सी होती है ये, टच करने पर ही गिरती है ये। तो हिबिस्कस भी प्लांट में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, कलियां भी बहुत ज़्यादा आ गई है, और रोज फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावर दे रही है। तो यहाँ से बस कुछ प्लांट्स को इस तरह से मैंने अरेंज कर दिए हैं। और ये देसी वाली करंच देखिए अब तक खिल रही है, और सारे करंच प्लांट्स में भी अभी तक मेरे यहाँ फ्लावर है, थोड़ी थोड़ी सही लेकिन है। पहले से ही ये बहुत ही
मुश्किल में थे, और ये भी देखिए इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने जो गिर गए थे वो सब कटिंग इकट्ठा यहाँ पर लगाए हैं, तो इसमें भी फ्लावर्स सारे आ रहे हैं। और क्रेसेंथेमम प्लांट्स के 3 पॉट्स जो है सेव कर कर मैंने रख दी हैं। तो ये वाले छोटे छोटे इसमें लगे हुए थे मेरे पॉट में, तो उसको मैंने कल यहाँ इसमें शिफ्ट कर दिया है। कुछ भी नहीं किया मैंने, उसमें से भरकर मिट्टी निकाली है, डायरेक्ट निकाली और इसमें रख दिया है। बस इस वजह से इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, अच्छी सी लग जाती है ये। तो ये एक वेराइटी है, तीनों को मैंने एक ही इसमें डालकर रख दिया है। और ये एक क्रेसेंथेमम है जो काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, एक वेराइटी के है। और उसके बाद है एक जो परचेज किए थे मैंने एंड ऑफ सीजन में, तो उसके लगे हुए हैं। और बस ये जो मैं ऊपर बांधी हूँ ना, इसमें क्या हो रहा है, हवा के कारण टूट टूट कर वो गिर रही है। और इसका फ्लावर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से ये बर्ड्स आ रही है ना, इसकी कलर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर तो इस तरह की कलर है वो, और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, और वाइट शेड में है ये, वाइट और बीच में ये वाली है, और दूसरी जो है येलो में, येलो और ये वाली शेड में। एक्चुअली ये थोड़ी सी पिंकिश में है ये, वीडियो में उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन हल्की सी पिंक शेड में है ये। तो फ्रेंड्स यही थी, और कुछ सीडलिंग वगैरह मैंने की है, उसको वीडियो में आपसे अलग से शेयर करती। तो ओके फ्रेंड्स बाय। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत दिन से मैंने दिखाया नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ग्रेप्स बहुत जल्दी से मोटे हो रहे हैं, और बहुत बड़ी गुच्छी आई है, ये गुच्छा आया है पहली बार, वो ब्लैक ग्रेप्स है ये। और कुछ लोग पूछ रहे थे ये कितनी, इसका एज क्या है, ये 2 साल का पौधा है फ्रेंड्स, ये 2 साल का पौधा है। और एक फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट, देखिए आप ड्रैगन फ्रूट प्लांट जो ये कटिंग से मैंने लगा है, ये वाइट वाले हैं, वाइट वाले मैं किसी के यहाँ से कटिंग लेकर आई थी, तो ये कटिंग मैंने लगाई है। और ये फ्रेंड्स ये सीड से लगी हुई प्लांट इतनी अच्छी सी बड़ी भी हो गई है, और अभी बहुत अच्छी सी ग्रोइंग पीरियड है, इसका डॉर्मेंसी चली गई है, और ये ग्रोइंग पीरियड में बहुत अच्छी सी यहाँ से देखिए नए नए पत्तियाँ वगैरह निकाल रही है, सभी में नए पत्तियाँ आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी मई से नवंबर तक इसका फ्रूटिंग फ्लावरिंग सीज़न रहता है, पता नहीं ये इसका एज कम्प्लीट हो गया तो फ्लावर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये मैच्योर प्लांट पता नहीं कितने साल में होता है, कटिंग से लगाए हुए तो आपको 12 to 18 मंथ्स में ही फ्रूटिंग स्टार्ट होता है, पर सीड से लगाई हुई तो पता नहीं कितने साल टाइम लेगा ये। फिलहाल इतनी बड़ी सी ये हो गई है, और इसमें बहुत अच्छी सी ग्रोथ वगैरह हो रही है। वो एक गिर गई थी, मैंने उठा कर रख दिया उसे, तो देखिए इस तरह से, वैसे ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है इस बार। अभी नींबू में थोड़ी फ्लावर आना बिल्कुल कम कर दिया है इसे, पता नहीं क्योंकि बहुत ही मुश्किल टाइम से ये भी गुजरा है, ना खाद ना पानी, बहुत दिन सर्वाइव हुआ है, तो यही बड़ी बात है। और काफ़ी ब्रांच यहाँ पर सूखी हुई थी, मैंने सब कट कर इन्हें हटा दिया है, तो अभी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये मेरे सारा वेस्ट जो था फ्रेंड्स, मैंने भरकर यहाँ तक डाली थी, उसमें देखिए ये वाली नीचे दबने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी कर दबने लगी है, तो अभी जो है ये पोटैटो एक डाल दिए मैंने
और एक टमाटर का प्लांट उग रहा है तो मैंने उसे रख दिया है। तो बस ये सब किचन वेस्ट लाती हूँ, अभी भी मैं इसी में डाल रही हूँ। तो ये भी मैंने वेस्ट वगैरह डाला था नीचे, तो इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालती रहती हूँ और ये भी बैठ रहा है अच्छे से। बस बाकी सभी खाली पॉट्स बहुत सारे हैं मेरे पास, देखिए बहुत सारे खाली पॉट्स हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, समर के बाद ही हो पाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। और थोड़ी सी गार्डन हरी भरी दिख रही है ना आपको। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।